کسی اور کے پاس جاؤ، نفسی نفسی، اللہ سے بات کرے کون اس دن؟ اگر کوئی بندہ کہہ دینا کہ یا اللہ مجھے ایک سجدے کی اجازت دے، اجازت نہیں ہوگی، وہاں سجدے کی اجازت نہیں ہوگی، دنیا میں کرنا ہے کر لے، جتنے کرنا ہے کر، اس دن اجازت نہیں ہوگی سجدے کرنے کی۔ ایسے میں میرے آقا اور آپ کے آقا پر عرض کریں گے مولا ایک سجدے کی اجازت دے، تو حضور کو اجازت ملے گی، اور میرے اور آپ کے آقا سجدے میں جائیں گے،
और सजदे में सरक कर अल्लाह की हमद बयान करेंगे और जितनी देर अल्लाह चाहे हुजूर सजदे में ही होंगे, हुजूर सर नहीं उठाएंगे यहाँ तक कि अल्लाह कहेगा ऐ मोहम्मद इरफा रास का या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सर तो उठा, सवाल तो कर, शफाअत कर, पूरी कबूल की जाएगी। तो मोहम्मद हमारे आका जो हैं उनकी शान देखी इमाम कहते हैं कि मोहम्मद बराए जनाब इलाही, मोहम्मद बराए जनाब इलाही और जनाब इलाही बराए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होंगे और इरशाद होगा ऐ मोहम्मद सर उठाइए, सवाल कीजिए पूरा होगा, शफाअत कीजिए कबूल होगी। शफाअत क्या है? हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शफाअत को मेरी दुल्हन बना दिया गया। शफाअत हुजूर की दुल्हन, और हुजूर की जो दुल्हनें हैं ना वो मोमिनों की माएं, तो इन मानों में शफाअत तो हमारी माँ हुई, और माँ कभी चाहे कि बच्चा जन्म में जले। गुनाहगारों का रोज महशर शफीअ खैरुल अनाम होगा, दुल्हन शफाअत बनेगी, दूल्हा नबी अलैहिस्सलाम, दुल्हन शफाअत दुल्हन है हुजूर की, मेरे आका सजदे में होंगे। और इमाम कहते हैं कि इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब जब दुआए मोहम्मद, और दुआ मकबूल कैसे हुई? सवाल कीजिए पूरा होगा, शफाअत कीजिए कबूल होगी। इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा, अरे दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज, और जहन्नम के ऊपर ऐसे बारीक और ऐसे धार वाले पुल से गुजरना है। लेकिन जो इश्क वाला होता है ना सच्चा आशिक, उसकी बात ही अलग है। मेरे इमाम तो उस पुल से गुजरने की जब बात आती है तो कहते हैं कि रज़ा पुल से आप वजद करते गुजरिए, नाजुक नाजुक इतनी धार वाला पुल, इतना बारीक पुल और है भी जहन्नम के ऊपर, लेकिन इमाम कहते हैं रज़ा पुल से आप वजद करते गुजरिए। क्या बात है, क्यों? के है रब सल्लम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।